नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के जो टॉप सेक्रेट है। दोस्तों, मूविंग एवरेज इतना सॉलिड है, इतना बेहतरीन है, जिससे आप बड़े बड़े ट्रेड जो है हासिल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा मूविंग एवरेज पर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मूविंग एवरेज काम नहीं करता है, मूविंग एवरेज वर्क नहीं करता है। तो मूविंग एवरेज जो है आपके साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो बड़ा बड़ा जो ट्रेड आपको मिलेगा वो मूविंग एवरेज पे ही मिलेगा, चाहे वो इंडेक्स हो या आपका कोई भी स्टॉक हो। आपको मूविंग एवरेज यहां पर हम इंडेक्स में भी लगा के दिखाएंगे और स्टॉक में भी दिखाएंगे कि मूविंग एवरेज के आधार पर कब आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। जो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग होता है, काफी अच्छे ट्रेड आपको मूविंग एवरेज पर मिलेंगे। तो कोई भी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो कोई एक अपनाइए, जैसे बोलिंजर बैंड प्लस RSI आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम मूविंग एवरेज के आधार पर बताएंगे मूविंग एवरेज कितना हेल्पफुल होता है आपके ट्रेडिंग के लिए। मूविंग एवरेज आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज आपके द्वारा आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे में भी काफी हेल्पफुल है। मतलब सारी डिसीजन लेने में ये काफी हेल्पफुल है। तो चलिए मूविंग एवरेज के सेक्रेट को जानेंगे, जो भी डाउट्स है आपका यहाँ पर क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, मूविंग एवरेज को पहले मैंने यूज करना शुरू किया। मूविंग एवरेज से जो आप ट्रेंड को जान सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है उसको जान सकते हैं, मार्केट साइडवेज है उसको भी जान सकते हैं। मूविंग एवरेज के द्वारा हर सेक्रेट को आप जान सकते हैं। तो जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है डेली का, अगर आप इंडेक्स यूज करते हैं, और जब आप कोई स्टॉक यूज करते हैं तो उसमें वीकली चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं। और इंडेक्स में डेली चार्ट ही इनफ है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा ट्रेंड है इंडेक्स में। देखिए डेली चार्ट में यहाँ पर आप देखिए, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है हमारा, रेड लाइन 21 डे का। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जाता है, फिर यहाँ वापस आता है 20 डे, मतलब 21 डे का जो EMA है, फिर यहाँ ऊपर जाता है, फिर यहीं पर वापस आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहीं वापस आता है। आज देखिए यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन फिर से ये 21 डे के मूविंग एवरेज के पास ही जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो मार्केट एक रेंज में बंधा हुआ है। तो उसका रेंज यहाँ पर देख लीजिए 37,265, और नीचे का जो इसका रेंज है 34,450। तो ये रेंज है जिस रेंज में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसी तरह से आप निफ्टी का भी रेंज देख सकते हैं, कभी निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का जो अभी रेंज है 15,340, और नीचे का जो रेंज है इसका वो है 14,500। तो इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी का आपको रेंज मैंने बता ही दिया। तो दोनों अभी एक रेंज बाउंड मार्केट में है, जो कि हमें मूविंग एवरेज से पता चलता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस लगातार जब बढ़ रहा हो तो हम कहते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। डिस्टेंस तो कम हुआ लेकिन मार्केट नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, साइडवेज है, रेंज बाउंड है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये भी बढ़ नहीं रहा। यहाँ का डिस्टेंस अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 100 डे और 200 डे का जो मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं मार्केट जो है साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, प्राइस एक्शन तो सबसे फर्स्ट है, प्राइस एक्शन ही हमारा सबसे फर्स्ट है जो बताएगा मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट डाउनसाइड है या अपसाइड है या मार्केट साइडवेज है। तो सबसे पहला प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को तो आपको समझना ही है। अगर प्राइस एक्शन को आप नहीं समझ पाते हैं, अगर कैंडलस्टिक के बारे में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करेंगे, कैंडलस्टिक पे भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा किस तरह से आपको पहचानना है कौन सा कैंडल जो है आपको क्या बताता है। यहाँ पर ये 200 डे का मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को अगर आप पहचानना चाहते हैं। अगर 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है प्राइस नीचे से ऊपर की ओर, जैसे यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर क्रॉस किया और इस पर सस्टेन किया और ये इसी के आसपास यहाँ पर ट्रेड किया और फिर यहाँ से अपसाइड चला, ऊपर की ओर चला, तो मार्केट जो अप ट्रेंडिंग है। और जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा डाउनसाइड आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो मार्च का गिरावट है, तो पहले यहाँ पर मार्केट गिरा, 200 डे के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर बाउंस किया, बाउंस करने के बाद इस बार जब ये ब्रेक किया 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद एक शार्प फॉल आया मार्केट में। तो 200 डे का मूविंग एवरेज जो है ये हमारा स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसके लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होगा वो
अपट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा उसे बताता है। अगर इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट जो है अपट्रेंड होगा, अगर इसको ऊपर से क्रॉस करके नीचे जाता है तो मार्केट हमारा अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो इंडेक्स को इस तरह से आप 200 डे के मूविंग एवरेज को, स्टॉक को भी इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, मतलब स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जाने वाला है, और जैसे नीचे मतलब इसको क्रॉस करता है तो स्टॉक क्या है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप RSI की यूज करते हैं। RSI का जो स्ट्रेंथ है आपको मैंने पहले ही बताया 55 से ऊपर है, मतलब अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है 200 मूविंग एवरेज को, RSI 55 से ऊपर है। यहाँ पर देख लीजिए 55 से ऊपर था, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सस्टेन किया क्रॉस करके, तो यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंडिंग हो गया। तो हमें एक जो है लीडिंग इंडिकेटर है जो हमें पहले ही बता देता है मार्केट जो है कितना स्ट्रेंथ है। RSI वो बताता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। अगर RSI स्ट्रांग है मतलब ये मोमेंटम स्ट्रांग है, RSI वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे आएगा, बस थोड़ा सा मोमेंटम जो है डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ RSI काफ़ी नीचे आया तो थोड़ा सा मोमेंटम के डिक्रीज होने के साथ साथ मार्केट में थोड़ा गिरावट भी आया क्योंकि RSI काफ़ी वीक हो गया। तो RSI थोड़ा सा मतलब इसमें जो डाइवर्जेंस है दिख रहा है, तो मतलब है कि मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है वो मोमेंटम रुक जाएगा, वो गति रुक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर RSI लगातार गिरता रहा तो वो ऊपर जाकर के एक जगह साइडवेज हो सकता है, साइडवेज होने के बाद अगर RSI फिर भी गिरता रह गया तो मार्केट वहां से फिर नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज के द्वारा जो अब ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज है, उसको पहचान सकते हैं। तो उसी तरह निफ्टी में भी देख लीजिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पर पीछे चलते हैं, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर से ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। यहाँ पर देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जब चला तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड गया। अप ट्रेंड जाने के बाद यहाँ थोड़ा सा फिर से गिरावट आकर के यहाँ पर फिर से ये 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिया, मतलब एक बार मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस किया तो मार्केट फिर से उसके नीचे नहीं आया बल्कि उसे एक सपोर्ट बना लिया, और वहाँ से लगातार अप ट्रेंड मार्केट हमें देखने मिला, बीच बीच में एक करेक्शन भी देखने मिला। तो ये है मूविंग एवरेज का सेक्रेट। इसे आप डेली चार्ट में यूज करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, 5 मिनट के चार्ट पे आप आसानी से आप इसको जो है इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो एक बड़ी गिरावट आई मार्केट में, और देखिए यहाँ से जब इसमें गिरावट आया तो 20 डे के मूविंग एवरेज को फिर से ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड बना रहेगा तब तक आपको ये मूविंग एवरेज जो है 21 डे का उसको क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे ट्रेंड चेंज होना होगा मार्केट इसके ऊपर पहले सस्टेन करेगा, देखिए 21 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया फिर मार्केट अप ट्रेंडिंग हुआ। उसी तरह आप किसी भी स्टॉक में भी देख सकते हैं मार्केट स्टॉक जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है उसका पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे रिलायंस है, रिलायंस 200 डे के मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर देखिए पीछे भी कई बार यहाँ पाया सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पाया 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ये डेली चार्ट है हमारा, यहाँ पाया थोड़ा सा इसको क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर सका, फिर से ये 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आया और एक ज़बरदस्त जो अब बाट रैली हमको देखने मिला। तो 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगता तो हम सोचते हैं कि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन यहाँ से आ सकता है प्राइस वाइज। ऐसे जैसे ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो ये टाइम वाइज करेक्शन है रिलायंस का, ये इस प्राइस के आसपास टाइम को स्पेंड कर रहा है, ये एक टाइम वाइज करेक्शन है। फिर वापस आएंगे पीछे, तो देखिए पीछे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जब रिलायंस 200 डे मूविंग एवरेज को गिरावट के बाद 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और यहाँ पर जैसे सारा का सारा मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्ज होने के बाद अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और सारा मूविंग एवरेज यहां पर कन्वर्ज किया हुआ है, तो जब भी ये कन्वर्ज हो तो समझ जाइए यहां से मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। अगर इसके ऊपर प्राइस है तो अप ट्रेंड होगा, अगर प्राइस इसके नीचे हो तो कभी भी तो वो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है एक लंबे समय के लिए। तो यहाँ देखिए एक लंबे वक्त के लिए रिलायंस जो है अप ट्रेंड में रहा। उसी तरह दूसरे स्टॉक को भी देख सकते हैं, जैसे जुबिलेंट फूड है, ये भी स्टॉक अभी तक देख सकते हैं बुलिश है क्योंकि 20
वन डे का जो ईएमए है उसके भी नीचे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में है। देखिए लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ, ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया कब से, गिरावट के बाद। तो यहाँ देखिए वापस आते हैं पीछे, तो ये स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज को जब ब्रेक किया था, देखिए एक बड़ा शार्प गिरावट आया था स्टॉक में, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हुआ और स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे सस्टेन किया, यहाँ पर सारा का सारा मूविंग एवरेज देखते हैं ये भी कन्वर्ज हुआ है लगभग 200 डे 100 डे 50 20 सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर कन्वर्ज हुआ। तो जब जब कन्वर्ज होगा तब तक स्टॉक जो है ट्रेंडिंग होगा किस डायरेक्शन में, अगर ऊपर है प्राइस तो अप ट्रेंडिंग होगा, अगर प्राइस इसके नीचे है यहाँ पर सारा मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहा है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है एक लंबे प्राइस के लिए या कहें एक लंबे समय के लिए। तो यहाँ देखिए वहाँ से स्टॉक अपट्रेंड पकड़ा, तो अभी तक ये स्टॉक अपट्रेंड में ही है। तो जुबिलेंट फूड एक काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन है, कभी भी गिरावट में मिले तो 200 डे के नीचे गिरावट कभी भी आता है, लेकिन याद रखना है कि स्टॉक का फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं आया हो, जो बिजनेस है स्टॉक का मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रभावित नहीं हुआ हो, कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग हो, प्रॉफिट ग्रो कर रही हो, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर काफ़ी अच्छे रहते हैं तो निश्चित है स्टॉक एक बेहतरीन रिटर्न देगा यहाँ से आपको। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करता है, अगर प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ पर जो 21 डे का मूविंग एवरेज है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 50 डे का मूविंग एवरेज जो ये सपोर्ट का काम करेगा, और फिर जैसे इसको ब्रेक करता है तो 100 डे का मूविंग एवरेज जो ये सपोर्ट का काम करेगा, वो तो प्राइस बताएगा कि कितना इस पे सपोर्ट ले रहा है, अगर प्राइस इसको क्रॉस करते चल जाता है मतलब ये सपोर्ट वर्क वहाँ पे नहीं किया। और 200 डे का मूविंग एवरेज जो है ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस इसके नीचे है मतलब नीचे से ऊपर जाने का प्राइस काम कर रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये एक बड़ा रेसिस्टेंस का काम करता है। उसी तरह प्राइस जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस ऊपर जाने कोशिश कर रहा है 50 डे का मूविंग एवरेज भी ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा होता है जो कि रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करता है और सपोर्ट के भी रूप में काम करता है, जब प्राइस ऊपर हो तो सपोर्ट का काम करता है, नीचे हो तो रेसिस्टेंस का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी इंडिकेटर के बारे में आप जानना चाहते हैं या ट्रेडिंग किस तरह से आपको पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।